हम पर निछावर इन लोग किए हुए हैं। और थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर एम एस अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। और समाज से क्या कुछ कही सर आज के कार्यक्रम? कार्यक्रम में मिन्सी का सबसे पहले तो आप सबको हमारे तरफ से नमस्कार प्रणाम। और कार्यक्रम तो आप लोग जानते ही हैं कि एमएलसी के प्रत्याशी के रूप में क्षेत्रीय दौरा में कर रहा हूं और अपने समर्थन अपने जनप्रतिनिधियों से मांग रहा हूं। इसी कार्यक्रम में आज महाराजगंज में आया हूं। सर आप एक चीज़ बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप अगर चुनाव जीत जाते हैं सदन में तो पूरा बिहार जानेगा, इस बात पे मतलब कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही कि किस तरह से एक चर्चा में होगा कि पूरा बिहार जान जाएगा। सदन में हमेशा सिवान के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, सिवान के विकास के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, समाज से स्वास्थ्य के विषय में आवाज़ उठाता रहूँगा। जितने भी हमारे MLC इससे पहले पूर्व में गए हैं तो अपने जनप्रतिनिधियों को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, वो किसी के लिए कोई वर्क नहीं किए हैं। मेरा काम यही रहेगा कि सिवान का विकास, सिवान के जितने में हमारे वार्ड, जिला परिषद और जनप्रतिनिधि, तमाम जनप्रतिनिधियों की लड़ाई को मैं लड़ूंगा, उनकी जो समस्या उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। एक चीज़ और आप कह रहे हैं सर कि आप वेतन के लिए डिमांड करेंगे, तो कैसा वेतन का, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए। वेतन इस तरह से हमारे MP साहब का, विधायक का पे निर्धारित है जी। उस तरह से जनप्रतिनिधियों का भी पे निर्धारित होना चाहिए। अब पोस्ट छोटा या बड़ा हो, पोस्ट छोटा या बड़ा, कर्मचारी का कुछ पोस्ट होता है, अफसर का कुछ होता है, उसी तरह पे निर्धारित होगा। जनप्रतिनिधि भी तो एक संसद की तरह जनप्रतिनिधि हैं। तो आपका कहना ये होगा कि उनकी चुनाव जीतने के बाद उनको भी वेतन मिलेगा? हाँ, पे, हाँ, इस पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और 2400 MLC बिहार के 2400 MLC जितने भी हैं उन सब लोग से राय करके इस मुद्दा पर सदन में जोरदार आवाज़ उठाई जाएगी इसके लिए। सर अभी त्रिकोणीय लड़ाई में कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है, आगे आप दिख रहे हैं, त्रिकोणीय कोई लड़ाई नहीं है, हम एक तरफा हैं और हमारे जनप्रतिनिधियों का दुलार प्यारा फूर जोर जोश से समर्थन मिल रहा है, जिससे मन गदगद है और आने वाला कल में देखिएगा एक तरफा होगा चुनाव। चलिए धन्यवाद सर। आप क्या कुछ कहेंगे सर? कुछ लगातार आप दिखे जा रहे हैं समाज सेवी रईसगंज जी के साथ, काफ़ी एक्टिव दिखे जा रहे हैं, किस तरह से कुछ दिन से कर रहे हैं और क्या उनके लिए दुआ करेंगे, क्या उनके लिए संदेश देंगे? एक कुछ दिन से नहीं दिखे जा रहे हैं, बहुत लंबा समय से हम लोग का साथ समाज है और ये भी सामाजिक काज में रहते हैं, हम लोग भी सामाजिक काम में रहते हैं और बिहार में पहली ऐसी चुनाव हो रही है सिवान जिला में जो सामाजिक कार्यकर्ता एक चुनाव लड़ रहा है। तो जो अपना व्यक्ति अगर जिसे कि पार्टी के समर्पित कोई चुनाव लड़ता है तो उस पार्टी के वर्कर लग जाता है जी। तो उसी तरह अगर समाज में काम करने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो क्या सामाजिक कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है कि उसके साथ मिला के उसको चुनाव जिताने का काम करेगा। और निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में रईस खान जी इतिहास बनाने का काम करेंगे और बिहार में सबसे ज़्यादा मत से जीतने का काम करेंगे। सर एक चीज़ और सवाल, मैं आप बहुत खुशनसीब हम लोग यहाँ पे हैं कि आप बिहार के अध्यक्ष बने हुए हैं राष्ट्रीय एकता मिशन के तहत और उसके पहले आप उपाध्यक्ष हैं वुमेन राइट्स के, इतना बड़ा पद आपको ऑलरेडी मिल चुका है और खासतौर जिस जो आपने बात कहा कि पूरे बिहार की जनता जानेगी, ऐसे तो पूरे बिहार की जनता आपको जाने चुकी है उपाध्यक्ष के मामले में और आप अध्यक्ष के रूप में भी सम्मिलित हो चुके हैं, इस खुशी के अवसर पर सिवान वासियों के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए इस पर तो पूरे समस्त सिवान का तमाम जो जनता है बहुत खुश हैं और जो पद हमको मिला है एकता मिशन, मैंने कि सारे समाज को एक जोड़ कर लेके चलना, समाज के लिए वर्क करना, समाज के जो समस्या है उसको दूर करना, इसका हम लोग पुरजोर इस पर अमल करेंगे, उस पर काम करेंगे। राष्ट्रीय एकता मिशन के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। राष्ट्रीय एकता मिशन जो है समाज के हर वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे समाज का एक जोड़ कर एक समन
स्थापित प्रेम भाईचारा कायम करना, उनकी समस्याओं को समझना, यही एकता मिशन का करने का प्रयास है। जितना भी हमारे लोग, जितने हमारे समर्थक जो उम्मीद किए हैं, उनसे ज़्यादा करेंगे और करके दिखलाएंगे। पहाड़पुर में आपने एक बात बोली थी, बहुत सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, कि अभी तो हम सीखता नहीं, भेज के देख लो। तो इसमें क्या बुराई है भाई जी? हर इंसान सीखता है जी, और जब तक जीवन है तब तक सीखना ही सीखना है। संपूर्ण कोई भी इंसान सीखा हुआ नहीं है, उसको हर दिन सीखना ही सीखना है। तो हमारे पत्रकार महोदय पूछे थे कि MLC क्या होता है, तो हम तो अभी MLC के चुनाव लड़ रहे हैं। हम बोले कि जब आप हमको एक बार भेज के देखिएगा जी, जाने के बाद ही पता चलता है, जाने के बाद हम जाएंगे, उसके बाद ना। अभी तक जितने भी MLC भाई हमारे गए, हमारे जनप्रतिनिधियों को ठगे भी हैं, अपना जिला को ठगे ही हैं, एक बार हमको भेज के देखिए, हम आपके उम्मीद पर, आपके भरोसा पर खड़ा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। आज के कार्यक्रम में रईस खान साहब जो कार्यक्रम रहा, इसमें महाराजगंज प्रखंड के सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आए थे क्या जी? सबसे मुलाकात हुई जी, सबसे मुलाकात हुई, सब लोगों का पुरजोर दिल से मेरा समर्थन किए, जिससे महाराजगंज किस धरती पर बहुत गर्व महसूस हुआ, खुशी महसूस हुआ। और ये जो दुलार और प्यार जो हमको मिला है, जिस भरोसा से उन्होंने हमको इतना अपनाया है, उनके भरोसा पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।